आप यहाँ जो इस समय को याद आया कि ध्रुपेश की सीट एक थी वो आराम से बैठने वाली थी, आराम से क्या कहते उसको, आराम से ऐसे कुछ बोलते थे रेलवे लैंग्वेज, आरएमडी, तो वो बैठने वाली आरएमडी गवाली आरएमडी नहीं आरएमडी दे कैंसिल कैंसिल वो कैंसिल, वो बैठने वाली सीट थी बस वही बोलेंगे। क्या हुआ था चाचा वाली स्टोरी? चाचा का पोदरे में पाँव आ गया फिर से शुरू हो गया पापा भैया हो सभी लोग मस्त सो रहे हैं, थक गए थे क्योंकि हम लोग अहमदाबाद से हम लोग ने ट्रैवल किया 120 किलोमीटर वो भी एक घंटे एंड शायद 10 या 12 मिनट में, तो सब लोग थक गए थे, सामान ये वो सब लोग सब ये सो रहे हैं एंड अभी मैं अपना डेटा लैपटॉप पर कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ, अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग यहीं तक रहेगी, बस आगे की रिकॉर्डिंग हमारी जर्नी कैमरे से होगी, तो आपको बैटरी क्वालिटी एंड बेटर एक्सपीरियंस होगा एंड मैं हो सके उतना सिनेमेटिक लेने की कोशिश करूँगा एंड मैं तो एक मतलब बायोग्राफी बनाने में ऐसा एक शॉर्ट स्टोरी जैसा वीडियो बनाया, अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस ओवर के साथ ये वीडियो आए, बट कम्प्लीट नहीं कह सकता बस व्लॉग शूट करना है, एक ही कैमरे में हमारा व्लॉग फोटोज क्लिक हो गए एंड बाकी सिनेमेटिक्स ये सब सब एक ही कैमरा होने वाला। यस हाँ एडिट एडिट कौन करेगा तू? मैं आप लोग को ये व्लॉग एक हफ्ते बाद ही देखने को मिलेंगे क्योंकि मेरे के लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एडिट कर सकते, इसी के लिए और मैं घर जाने के बाद एक एक हर दिन एक व्लॉग अपलोड करूँगा एडिट करने के बाद, तो एक हफ्ते बाद ही आप लोग को ये व्लॉग देखने को मिलेगा। आपको हर बार मैं शूट करने में मदद कर रहा है भाई, मस्त सनसेट व्यू आ रहा था। मस्त भाई सनसेट का व्यू लेते हुए। और भाई अभी अभी हम लोग सोते उठे बस, हम दो तीन घंटे या चार घंटे सोए थे। अरे भाई चार घंटे तो पक्का है भाई, मस्त सनसेट का व्यू। खास थक गए थे सब लोग इस वजह से सोए थे एंड कितने किस वजह से थके ये तो आपको पता ही है भाई एंड भाई आप मेरी और इसकी हालत नहीं कह सकते, इसकी तो हालत अभी भी खैर अच्छी है मेरी तो। अभी होते स्टेशन पे और अभी हम हरिपुर पे रुके हैं। यस हरिपुर, हरिद्वार के हरिपुर, हरिपुर हरिद्वार दूर है, हरिपुर पे है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे नेटवर्क। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about. Have you... बाबला जैसा हम कहाँ पहुँचे लेकिन पता नहीं मेरे को न्यावर स्टेशन है। कहाँ पे पहुँचे? न्यावर क्या लगा नहीं पाटिया बाटिया लगा नहीं पाटिया पाटिया भाई रो 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 चल 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 हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अजमेर आधे घंटे रुकेगी। भाई इसने मस्त चचा के साथ स्कीम खेल ली है भाई। क्या हुआ था चचा वाली स्टोरी? चचा का पोदरे में पाँव आ गया। अरे भाई वो स्टोरी मैं आपको कंप्लीट बाद में बताऊंगा, बट अभी अभी मैं आपको बताऊँगा। ऐसे हम लोग न्यावर स्टेशन पर रुके, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही, हमारा दोस्त ने हमें कहा कि भाई अजमेर स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी मतलब इसके बाद, तो एक चचा हम लोग तो चढ़ गए ट्रेन में, ट्रेन का जैसे ही स्टार्ट होने वाले थे एक चचा आए और गए ये कह रहा है चचा गुजराती में, वो चचा काका गाड़ी उपड़ी गया सर, चचा नहीं समझो, वो चचा पावा मच गया फिर भी चचा नहीं समझो एंड भाई फिर
फिर क्या बोला था तूने? अरे कर दी रहे बेच दी भाई, बता नहीं सकता मैं उतने, मतलब इस आदमी ने इतने मीनिंग के कांड किए हैं भाई। अगर गुजराती है, अगर गुजराती हो तो आप समझ सकते हो क्या कर रहा पीछे पीछे भी उंगली करना तो जिंदगी में नहीं छोड़ेगा कभी भाई। वो चचा को बोल रहे हो चचा पाव वागे की उपड़ी जाए तो भेगू नहीं था भाई। इसने मस्त चचा के साथ स्कीम खेल लिए भाई। क्या हुआ था चचा वाली स्टोरी? चचा का बोल रहे मैं पाव वागे हुए कि गेम का आनंद लेना है, देखते ही गेम खत्म कर दी। शायद गेम खेल रहा था या किसी से चैटिंग कर रहा था, किससे कर रहा था तो मेरे को नहीं मालूम, मैं जल्दी पता लगा कि आपको बताऊंगा। किसी भी प्राइवेट को, प्राइवेट को नहीं चेक कर, तू प्राइवेट है तो सरकारी है। ये क्या बात, ये क्या बात करते है यार भाई। अब हम लोग ब्लॉगर हैं एंड तू मेरा शूटर है, अपनी लाइफ प्राइवेट होनी नहीं चाहिए। जो भी ये दुनिया से खुल गया शेयर करो, मेरी भी 70% लाइफ ओपन है, 30% प्राइवेट है। फिर से शुरू हो गया। ये तो खा करा लेके आया हूँ एंड हमारे गुजरात के मोस्ट फेमस थेपला पीछे क्या बन रहा है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। गुजराती के मोस्ट फेमस थेपला बा, ये क्या चटनी? राजकोट की चटनी, लहसुन वाली, लहसुन वाली चटनी, दही, छाछ, क्या हिंदी में लहसुन क्या कहूँ क्या? अभी रात के खाने में पूरा का पूरा में हमारे मस्त थेपला दही एंड ये दो प्रकार की चटनी, बाकी ये खा कर भाई। अभी मस्त हम लोग ऊपर चल चुके हैं ट्रेन में, मैं बैठे हैं 58 किलोमीटर। क्या जाए ट्रेन में? ट्रेन में 10 किलोमीटर वाली जी से आप यहाँ जो इस समय को याद है कि ध्रुपेश की सीट एक थी, वो आराम से बैठने वाली थी, आराम से क्या कहते उसको, आराम से ऐसे कुछ बोलते थे रेलवे आरएमडी, तो वो बैठने वाली आरएमडी गवा लिया आरएमडी नहीं आरएमडी दे कैंसिल कैंसिल वो कैंसिल, वो बैठने वाली सीट थी बस वही बोलेंगे बैठने वाली सीट। तो वो S10 में थी एंड हम लोग S7 में, तो सुबह से यहाँ पर गया नहीं था एंड एक दो बार गया था कि नहीं गया, गया था मतलब वैसे बैठ के वापस आ गया था। तो हम लोग जराम को भी मिला था, एक स्टूडेंट था बेचारा, उसको कल एग्ज़ाम था तो दिल्ली जाना था उसको सुबह, एंड मैंने सोचा कि इसकी सीट जो है हम लोग तो बैठने वाले, ये तो बैठने वाले, ये तो मेरे पास ही बैठे तो इसकी सीट उसको दे देते हैं। हम लोग वहाँ पे गए, मतलब हमने उसको कहे थे कि हमारी सीट आप जाके वहाँ पर जाके बैठ सकते हो, तो वहाँ पर वो बेचारा गया था, उस चचा ने उनको बैठने नहीं दिया एंड हम लोग टिकट लेके गए। हम लोग को चचा कह रहे थे कि हमारी टिकट भी कन्फर्म है, वो आराम से वो भी गए थे मेरे को नहीं मालूम, तो बैठने वाली सीट थी, मतलब वहाँ पे थोड़ी भसड़ हुई चचा के साथ कि भाई आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, दोनों की आधी आधी बैठने वाली है, वो मतलब दिमाग चचा का फेरा हुआ था। अब मैंने समझाया चचा को, इसने समझाया, तीन चार लोगों ने और समझाया, पर चचा मानने वाले नहीं थे एंड हम लोग को फिर मतलब माथा फिर गया था हमारा पूरी तरह से, हम लोग को किसी को बुलाना पड़ा फिर एंड फिर किसी ने बेचारे चचा को जो कहा कि भाई चचा ऐसा नहीं होता है, आराम से ये जो भी मेरे को बोलना मतलब जो बैठने वाली सीट होती है, फिर चचा माने उस बेचारे स्टूडेंट को जो एंड भाई लिटरली मेरे को अच्छा लगा उसमें, क्योंकि जैसे वो बैठा बुक खोल के मतलब बैठा वैसे उसने अपने बैग में से बुक निकाल के रीडिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा अगर किसी को भाई हमारी हेल्प थोड़ी सी हेल्प से आगे बढ़ रहा है तो हो सके इतनी हेल्प करेंगे भाई। एग्जैक्ट 5 बजे पहुँचे दिल्ली स्टेशन पर, ये शायद लास्ट वाला प्लेटफॉर्म 13, ये रहा लास्ट वाला ही है।
अहमदाबाद में हमारा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो भाई स्टेशन पर तो गए थे बट कुछ अच्छा खाने को मिला नहीं। मेरे को नींद भी आ रहा है क्योंकि पूरी रात जागा हूँ। सुबह जैसे इतने बजे उठूँगा तब इतने बजे मिलते हैं भाई ये माँ से, तो मस्त नींद ले रहे हैं। मैं भी सो जाता हूँ।